किसान भाइयों नमस्कार। इस वक्त मैं आपके साथ श्रावस्ती से समर चौधरी। आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे बैदेही 19 धान की कि आखिर इसकी पैदावार कितनी होती है और इसको लगाने से आपको कितना लाभ होगा और ये कितने दिन में तैयार हो जाता है। राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की सबसे पहले तैयार वाली फसल की, जिसे गाँव में आमतौर पर किसान भाई अगेती फसल कहते हैं। हम बात करेंगे बैदेही 19 धान की कि बैदेही 19 धान कितने दिन में तैयार हो जाता है और आपको किस प्रकार से इसकी देखरेख करनी है और कितनी पैदावार होगी और किस प्रकार से आपको लाभ होगा। किसान भाइयों, बैदेही 19 धान जो होता है वो किसान के अनुसार 110 दिन में इसकी फसल पूरी तरह से पक कर तैयार हो जाती है और आप इसको मड़ाई करके अपने घर ला सकते हैं। वहीं अगर इसके पैदावार की बात की जाए तो किसान ने बताया कि 4 से 5 कुंटल अगर आपने अच्छे से देखभाल कर ली तो फसल में पैदावार होगी। हालांकि पैदावार जो होती है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस जगह पे आपने बैदेही 19 धान लगाया है, हो सकता है वहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ हो तो पैदावार कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। वहीं अगर बात करें तो किसान ने बताया कि 2 बार उन्होंने यूरिया डाली थी, 1 बीघे में 10 किलो अनुपात के हिसाब से 20 से 25 दिनों के अंतराल में जब बारिश अच्छी हो तो आप 2 बार यूरिया डाल सकते हैं। वहीं 1 बीघे में किसान ने बताया कि 1 किलो बैदेही 19 धान की नर्सरी इन्होंने डाली थी, जिसके 30 से 35 दिन में जब पत्तियों में जब चार पत्तियां उसमें फस जो धान की पौधे थे उसमें आ गई तो इन्होंने फिर धान की रोपाई कर दी थी। वहीं अगर बात करें तो किसान के मुताबिक बैदेही 19 धान 110 दिन में तैयार हो जाता है। किसान ने बताया कि खाने में भी इसका चावल काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जो बैदेही 19 धान होता है उसका चावल महीन होता है, जिसके चलते महीन होने के चलते चावल पतला होता है। आमतौर पर इसका जो चावल होता है वो काफ़ी अन्य धान की वैरायटी के अनुसार स्वादिष्ट भी बताया जा रहा। तो अगर आपको भी किसान भाइयों धान की फसल अगेती फसल चाहिए, सबसे पहले तैयार वाली होने वाली फसल चाहिए और कम दिनों में अच्छी पैदावार चाहिए तो आप बैदेही 19 धान को लगा सकते हैं। हमारे साथ एक किसान भी हैं, हमने उनसे भी बात किया कि आपने बैदेही धान लगाया तो आपको कैसा लगा, कितने दिन में तैयार हुआ और बैदेही धान के क्या फ़ायदे हैं। तो आइए खुद देखिए कि आखिर किसान ने हमसे क्या बताया। ये बताइए आपने कौन सा धान लगाया है? बैदेही 19। अच्छा, ये कितने दिन में तैयार होता है? 110। क्या इसकी मतलब कितना लागत लगभग लगता है? पैदावार करता है। अच्छा, 1 बीघे में लगभग कितना लागत आ जाता होगा? 1 बीघे में यहाँ ऐसा है कि 2 यूरिया लगावा है जी, हाँ 10 किलो। और बीज कितनी लगी होगी? बीज का 1 किलो धान 1 बीघा में। कितने दिन में तैयार होता है? 110 दिन पर। अच्छा, पानी कितनी बार लगाना पड़ा? पानी 2 बार लगा हुआ। और इसका जो चावल वो धान होता है मोटा होता है या पतला होता है? महीन धान है। तो क्या ये और अन्य धान की अपेक्षा अगेती होती है क्या? पहली बार आपने लगाया? इससे पहले भी लगाया? अच्छा, तो कैसा लग रहा है, मतलब इस टाइप की खेती? बड़ी अच्छी खेती है।